रोड जो है चौड़ी हो रही लोगों के घरों तक। और ये देखिए इधर का भी कुछ गेट वगैरह तोड़ा गया, तो यहाँ से आपको यहाँ इनका भी कुछ तोड़ा गया क्योंकि मेन रोड वहाँ था। आज हम दोनों लोग का लगभग सेम, उस पे गिटी पे नहीं, आज हम दोनों लोग का लगभग सेम ही ड्रेस है। दोस्तों कैरी दिखाते हैं आपको कितनी सारी, ये कैरी है बेटा कैरी, ये देखिए लगी हुई ना कितनी सारी, और देखो मम्मी है कि हाँ बहुत सारी। पहले था स्कूल, अब नहीं है बेटा, पहले था, देखिए बहुत सारी कैरी लगी हुई है। गाइस आज हम लोगों ने दूसरा रास्ता चॉइस किया है, देखो इस रास्ते से कितनी जल्दी पहुंचते हैं देखना है। हाँ आज बिटू ने कहा बस सामने ही है वो। देखते हैं इधर से। तो हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं वहाँ आने के बाद मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए हैं और मैंने दिखाया था। और कल सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलती हूँ, कल मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि कल मैं कन्याएं खिलाई थी, फिर उसके बाद मैं व्यस्त थी जिसकी वजह से मैंने वीडियो भी नहीं डाल पाई थी, ना तो अपने इंस्टाग्राम और ना कोई भी चैनल में। हम भी यार इंसान ही है, कितना करें थक जाते, मेरा शरीर दुखता, बदन दुखता है बहुत ज़्यादा, मगर क्या करूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, राधे राधे, जय माता दी। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूट्यूब ब्लॉगर। और इस टाइम रात के बज रहे हैं, 9 बज गया, ये देखिए 9:05 हो गया। बेटू यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, देखो इनकी पढ़ने की स्टाइल। ये कुर्ती है मेरी, अभी इसको धुल के डालना। और बिट्टो रानी भी पढ़ रहे हैं, ये देखो अपनी पैंट सही कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरा आज पेट बहुत दर्द हो रहा और 2-3 बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ा जिसकी वजह से आज मैं खिचड़ी भी बनाई हूँ, इसी को खाऊंगी ताकि पेट थोड़ा मेरा सही हो, पता है किस रीज़न से, कि गर्मी की वजह से। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ कुछ देर बाद, ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग का फुल आनंद लीजिए। और प्लीज़ दोस्तों अगर हो सके तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझे फॉलो कीजिए, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है madhushrma5xl, लिखना आगे तू जाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पर मैं डांस करके वीडियो डालती हूँ, आपको देखिएगा। पीवाई की बात दोस्तों, हम का करें लागिन, हम कहा चलो ये जोन बिस्तर है बिस्तर का यहाँ सही से बिछा दई, यानी जोन तकिया के कबर वगैरह हैं इनका हम लगा दई। तो हम तकिया के कबर लगावे लागिन दोस्तों, क्योंकि आज हम कन्याएं खिलाएंगे तो मतलब घर का साफ सुथरा रखो तो कहते हैं ज़्यादा सही, तो हम सफाई वहाँ करे लागिन। ये बेड शीट डबल बेड की है, मगर मैंने सोचा चलो इसको आगे वाले कमरम डाली थी दोस्तों, जैसे डालब तो अच्छा लगे। दोस्तों आज से हम अपन गांव वाली भाषा यूज करब, आप लोग कहते हो कि दीदी अपने गांव वाली भाषा में बोला करो, तो ठीक है अगर आपका हमारी गांव वाली भाषा पसंद आवे तो हम गाँव वाली भाषा बोलब, वही माँ का है। और दोस्तों फिर उसके बाद देखो ये साफ करते हैं और साफ सफाई सब खान पीन सारा सब कुछ करना रहता है, हम वहीं का दोस्तों अकेले रह के बहुत काम रहते हैं, दो दो बच्चे संभालना, घर संभालना, छोटा सा घर है वही के साफ सफाई करना, ये चीज़ यहाँ रखना, फिर की बात पूजा पाठ करना, मंदिर के भी सफाई करना,
बिट्टू को लेके डांस क्लास में जाना, वहाँ एक्टिव रहना, ये करना वो करना। इसी वजह से दोस्तों हमारा जो शरीर इतना दर्द होत कि हम का बताई। और दोस्तों आप लोगों के कम में आप लोगों के रिक्वेस्ट के वजह से हम आज गांव के भाषा बोलें, आप लोग हमसे वो करे रहे, प्रार्थना करे रहे, हमका देश दिए। तो वही मैं दोस्तों सही बता रहे हैं, हमार शरीर इतना दर्द होत लागत कि हम लेट ही जाई और को मोटी मोटी मुंगरीन से पूरा शरीर कूटी डारे, कूटी कूटी के कूटा बना दे। फिर वही की बात दोस्तों, हम जो है पूरा मंदिर साफ करी दी हैं और आज हमें यहाँ कन्याएं खिलाई गई हैं। कन्याएं का हमलान ये सब कुछ हम देखा, मगर हम वीडियो नहीं बना पाए दोस्तों, क्योंकि हमारे बच्चे बैठे रहे और हम हस्बैंड वाइफ कन्याएं का खिलावे रहें, तो कहाँ से वीडियो बना पाईबे, तो वीडियो हम नहीं बना पाए। और फिर एक ही बात, आप लोग पूछत हो दीदी नई फ्रिज आए, तो हमारा यह फ्रिज नई ना है, आज 5 साल के फ्रिज होएगी। और देखो हम गिलास दिखाई, ये गिलास हम कन्याएं का एक एक गिलास, एक एक चुनरी और फल साथ में पैसे ये सब देंगे। दिया जाता कहते हैं, बताया नहीं जाता। ये बर्तन मैंने अपने बटवा का दिन हम कहा रख के मंदिर के बर्तन धोए। फिर वही की बात, हम यहाँ लगावे लागिन पोछा, आप पोछा लगा लिया। अच्छा बहुत लोग आप में से पूछा दीदी या घर कहीं क्या रहा है, कहीं का है, तो हम का बताई या घर कहीं का है। फिलहाल इतना जान लो या घर हमारा है और मेज का हम ऐसे रख दिया है, बस जब तई हैं तब ही तक हैं, मगर हमारा आदत ही है हम जहे कोनो भी घर में रही वही का हम अपना बनाए चली थे, साफ सुथरा सफाई सब वैसे है करे, साफ सुथरा रहे से घर चमका कर धरा उठावा रहत जब सब साफ सुथरा सब कुछ करा। वो बच्चा हमारे आगे पीछे इस हमारे बच्चा सब जग गया है और सुबह हम बच्चे 4 बजे उठ के सारा काम करे लागिन। यहाँ देखो एकदम खाली खाली कर दिन की माता मैया ही हैं। माता मैया से बस यही एक विनती है, माता मैया हमारे हो दिन ला दो, माता मैया कब तक हम ऐसे हैं रोआवा करब। 3-4 साल बहुत हो गए किसी चीज़ की, मतलब इंतज़ार करते करते आज 3-4 साल बीत गए, कुछ नहीं हो रहा, कहीं से कुछ हो ही नहीं रहा। माता मैया कितना तकलीफ हो हमका हमका ताई माता, मगर कुछ नहीं जौन सब है बड़ा वाह है। और का बताई, पूरा घर साफ कर दिन, देखो बिस्तर लगा दीना, यहाँ सब कुछ लाए के रख दिन, दही जलेबी और पूजा पाठ सब कर दिन, दीपक खमा कलश भी जल रहा, सब चीज़ आपके सामने ही। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताई हो, हमका लागत आप लोगों का अच्छा लगी तो चाहे तनिका बताई हो, मगर बताई हो ज़रूर कि हमारा वीडियो कैसे है। ये देखो बिस्तर भी मैट वगैरह सब डाल दिए थे हमारे मंदिर, कैसा लागत आप लोगों का यह कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं मिलती हूँ, गुड इवनिंग। इस टाइम बज रहे हैं शाम के 4 और मैंने कहा चलो इस वीडियो को यही करती हूँ दिन। और दोस्तों एक लोगों का कमेंट था, उन्होंने कमेंट किया था क्या आपका सीजरिंग हुआ, आपने बताया नहीं। तो हाँ जी मेरा सीजरिंग हुआ है, मेरा ट्यूमर मुझे हुआ था और मैं मौत के मुंह से वापस आई। अगर आप लोगों को सुनना है तो ये स्टोरी मैं ज़रूर बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं मौत के मुंह से बाहर आई हूँ, कैसे अपनी ज़िंदगी से लड़ी हूँ।
ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी सब कुछ बताने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती देन, और कल वीडियो नहीं डाल पाई थी, कल मैंने कन्याएं खिलाई थी और कल कन्याएं का जब खिला रही थी तब कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि फंस गए, फिर बना नहीं पाए, बच्चे मेरे दोनों बैठे हुए थे, अब कौन बनाता। तो फिर हाँ, उसके पहले जो मैंने तैयारी की उसका वीडियो है, बट कन्या खिलाने के टाइम पे, उनको जाने के टाइम पे, विदा करने के टाइम पे नहीं था वीडियो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती दे एंड, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। यहाँ तक कि मैंने क्लिप नहीं खींची, एक फ़ोटो भी नहीं निकाली। बाय, गुड बाय।